भारत के खिलाफ प्रोपेगेंडा चला रहा कनाडा अब अपने ही जाल में फंसता जा रहा है। कनाडा के प्रधानमंत्री जस्टिन ट्रूडो अब अपने ही देश में घिर गए हैं। भारत ने G20 समिट के दौरान ट्रूडो के सामने खालिस्तानियों का मुद्दा क्या उठाया, ट्रूडो तिलमिला गए और उसके बाद से ही वो भारत के खिलाफ बेबुनियाद और मनगढ़ंत बातें कर रहे हैं। खालिस्तानी हमदर्द ट्रूडो की अब अपने ही देश में जमकर फजीहत हो रही है। वो खुलेआम खालिस्तानियों का बचाव कर रहे हैं, तभी तो पन्नू जैसे खालिस्तानी आतंकी कनाडाई हिंदुओं को खुलेआम धमकी दे रहा है, उन्हें कनाडा छोड़कर भारत जाने को कह रहा है और ट्रूडो बेबस या यूं कहें ये सब कुछ होने दे रहे हैं। लेकिन अब जस्टिन ट्रूडो की लिबरल पार्टी के ही सांसद चंद्र आर्या ने खुलकर कहा है कि कनाडाई हिंदू डरे हुए हैं। चंद्र आर्या ने हिंदू कनाडाई लोगों के लिए खतरे का मुद्दा उठाते हुए समुदाय से शांत और सतर्क रहने का आग्रह किया है। आर्या का ये बयान भारत कनाडा के बीच चल रहे गतिरोध के बीच पन्नू और बाकी चरमपंथी तत्वों की ओर से हिंदू कनाडाई लोगों को धमकियां देने और उन्हें भारत वापस जाने की चेतावनी देने के बाद आई है। चंद्र आर्य ने कहा है कि प्रधानमंत्री ट्रूडो के बयान के बाद जो हुआ उसके परिणाम को लेकर मैं ज्यादा चिंतित हूँ। यहाँ हिंदू कनाडाई लोग सुरक्षा को लेकर चिंतित और भयभीत। कनाडाई सांसद चंद्र आर्य ने हिंदू कनाडाई लोगों के आज भयभीत होने के पीछे तीन प्रमुख वजहों पर जोर दिया है। उन्होंने कहा कि सबसे पहले खालिस्तान आंदोलन का इतिहास हिंसा और हत्याओं से भरा है। खालिस्तानी आंदोलन के इतिहास में खालिस्तानी आतंकवादियों ने हजारों हिंदुओं और सिखों को मार डाला है। कनाडाई भूल जाते हैं कि इतिहास में सबसे बड़ी सामूहिक हत्या 38 साल पहले हुई थी एयर इंडिया बमबारी में। वो 9/11 से पहले का सबसे बड़ा विमानन आतंकवाद था और ये कनाडा स्थित खालिस्तानी आतंकवादी द्वारा किया गया था। सच ये है कि उन आतंकवादियों की अभी भी कनाडा में कुछ स्थानों पर पूजा की जाती है। आर्या ने उस झांकी परेड की भी निंदा की जो पूर्व प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी की हत्या का जश्न मनाने के लिए आयोजित की गई थी। टाइम्स नॉन ऑफ भारत डिजिटल की रिपोर्ट।